subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो सिंपल जी कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ. हैप्पी न्यू ईयर टू यू. आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ. तो क्या कहना चाहेंगी रूबीना के बारे में? किस तरीके का आपको उनका गेम लग रहा है? आई थिंक बहुत अच्छा खेल रही हैं. जेन्युइन है और जो दिमाग में है वही मुंह पर है. सो आई फाइंड अ वेरी जेन्युइन. तो अभिनव के बारे में क्या कहना चाहेंगी? अभिनव इज अ पर्सन जो बहुत जिसके अंदर बहुत लविंग एनर्जी है और वो बहुत लॉजिकल इंसान है. बट एग्रेसिव नहीं है और बहुत शांत तरीके से खेलते हैं. वेरी जेन्युइन. कई बार ऐसे रूबीना के फैंस ने कहा है कि सलमान खान उन्हें बोलने का मौका नहीं देते हैं कभी भी. या तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे बिल्कुल लगता है कि वो सही बोलते हैं कि वो मौका नहीं देते. मतलब कभी कभी आपको कोई इंसान पसंद नहीं आता तो आपको उसको उसकी कोई चीज पसंद नहीं आती है. तो मुझे लगता है कि रूबीना के केस में भी यही हुआ है. शी कम्स अक्रॉस एरोगेंट व्हेन शी इज नॉट, यू नो. और मुझे लगता है कि वो बहुत बार सही भी होती है लेकिन somehow इस तरीके से कंस्ट्रू किया जाता है कि वो सही नहीं है. बहुत बार उसको मौका नहीं दिया जाता बोलने का. जैसे कि अभी उसको बहुत डांट पड़ रही थी, यू नो, व्हेन दीज थ्री गर्ल्स वर सिटिंग टुगेदर और राखी के बारे में निकी तंबोली कुछ बोल रही थी. देन द अदर वन वाज आल्सो सेइंग समथिंग. तो रूबीना तो कुछ बोल ही नहीं रही थी तो मुझे लगा कि रूबीना को क्यों डांटा. शी वॉज जस्ट सिटिंग देयर. आई मीन शी वॉज मेड टू से सॉरी when there was not a, she had done nothing in it. तो मुझे ऐसा लगा कि उसको हर बार scapegoat बना देते हैं. अच्छा, जो रूबीना ने उंगली दिखाई थी तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि उसके ऊपर भी उन्हें बहुत डांट मिली है? क्या था और नेक्स्ट डे मुझे पता चला था जब ये उस बारे में बात हो रही थी सलमान जब आए थे और उंगली उठाई थी. बट देखा नहीं था तो आई कांट कॉमेंट ऑन इट. किस तरीके से हमने देखा है कि रूबीना और राहुल के बीच में सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं पर दोनों के बीच में जो भी झगड़े होते हैं वो एकदम सुलझे हुए होते हैं क्योंकि उनको वो लगती है बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग टीचर. उनको पता नहीं क्या क्या नाम दे के रखा है राहुल वैद्य ने. तो क्या कहना चाहेंगी? नहीं, वो बिल्कुल भी डोमिनेटिंग नहीं है और टीचर नहीं है. मतलब शी इज डूइंग व्हाट शी थिंक्स इज राइट. डोमिनेटिंग लोग तो बहुत अलग होते हैं. शी आई डोंट थिंक शी इज, मुझे लगता है ऐसा दिखाया जाता है पर वो बिल्कुल डोमिनेटिंग नहीं है. आई मीन हस्बैंड वाइफ तो आपस में डोमिनेटिंग होते हैं, दैट्स ओके. बट वो आई विल नॉट कॉल हर डोमिनेटिंग फॉर श्योर. आई मीन डोमिनेटिंग पीपल आर वेरी डिफरेंट. तो मुझे नहीं पता कि वो क्यों बोलती है कि उसको डोमिनेट बोलते हैं. वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती है. वो ये थोड़ा ना कहती कि तुम्हें ऐसे ही करना है. वो अपने हस्बैंड को कह सकती है लाइक ऑल ऑफ अस कैन डू दैट विद आवर हस्बैंड वाइफ, यू नो, मदर फादर. वी कांट डू इट विद आवर फ्रेंड्स. तो ऐसा नहीं है कि वो जनरली जाके सबको डोमिनेट कर रही है. आई थिंक उसको दिखाया इस लाइट में जा रहा है. और अगर शायद अगर अभिनव नहीं होता तो उसका ये एस्पेक्ट कभी हमें दिखता ही नहीं. Right. So, अभी हमने देखा है घर में कि सबसे ज्यादा अर्शी रूबीना को पोक कर रही है हर जगह पर. एक मुद्दा इसलिए है कि आप ना सबको पोक करो. आज इसको करो, कुछ दिनों के बाद इसको करो, फिर कुछ दिनों के बाद उसको करो. बिकॉज शी वॉन्ट्स टू बी इन द गेम. वो साफ पता चल रहा है कि उनको गेम में रहना है. वो बुरा बुरा बोलना चाहती है एंड शी हैज सच बैड लैंग्वेज. यू डोंट वांट टू सी हर. लाइक आई डोंट वांट टू सी हर. शी हैज वेरी लाइक फाउल लैंग्वेज. कुछ भी उल्टा चुल्टा बोलती रहेंगी. मतलब शी डजंट केयर अबाउट हर इमेज एट ऑल. बिकॉज इफ शी डज नॉट से एनीथिंग तो अगर कोई मुद्दा ही नहीं उठाएंगी तो वो गेम से बाहर हो जाएंगी. तो मुझे लगता है उनको लाया ही इसलिए गया है कि भाई आप हर बार कोई ना कोई मुद्दा उठाओ, सबसे लड़ाई करो. She fights with everybody. अच्छा, आज के लाइव फीड में ऐसा कुछ देखने मिला है कि जहाँ पे अर्शी और रूबीना का झगड़ा हो जाती है और अर्शी जाके एक टेबल चेयर तोड़ देती है. सो क्या कहेंगी? इतना एग्रेशन, इतना गुस्सा. It's very stupid. वो जानबूझ के कर रही है to show. Because ऐसा कुछ नहीं है कि कुर्सी टेबल तोड़ने वाली बात है पर वो करते हैं क्योंकि वो गेम में रहना चाहते हैं. मुझे तो डेफिनेटली यही लगता है. और खैर, मुझे अर्शी खान एज अ कंटेस्टेंट मुझे वो पसंद ही नहीं है. आई वुड नॉट वांट टू सी हर इन द गेम बिकॉज़ मुझे वो बहुत इरिटेटिंग लगती है.
आप भी दोस्त हैं और घर में रुबीना की भी एक और दोस्त बनी थी जैस्मिन, लेकिन वो दोस्ती ज्यादा दिन तक टिकी नहीं, कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ी सी दरार आ गई। तो क्या कहना चाहेंगी कि क्या वजह रही होगी कि लोग इतने अच्छे दोस्त नहीं बन पाए? नहीं देखिए, वो गेम ऐसा है कि आपके सर्कमस्टेंसेस ऐसे ऐसे होते हैं कि कोई आपका दोस्त होके अचानक से आपका पासा पलट सकता है, ऐसा हो सकता है क्योंकि ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, यही बिग बॉस का गेम है। पर आप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि किसी ने आपको नॉमिनेट किया या नहीं किया डज नॉट मीन दैट द अदर पर्सन इज नॉट योर फ्रेंड। मतलब आई ऑलवेज सी अ बिगर पिक्चर, और छोटी मोटी चीजें होती रहती है। इफ यू आर नॉट टॉलरेंट तो फिर आपकी लड़ाइयाँ हो जाएंगी, और उनकी तो लड़ाई ऐसी हो गई बिकॉज आई फील कि जैस्मिन इज ऑल्सो वेरी चाइल्डिश। वो उनको हर वक्त वापस बोलना होता है या पोक करना होता है। वो पहले ऐसी नहीं थी, पर आफ्टर अ फ्यू वीक्स वी स्टार्टेड सीइंग दिस साइड ऑफ हर, तो आई थिंक शी इज वेरी चाइल्डिश। और आई थिंक एक्ट अ लॉट, जब मुझे लगता है कि शायद रिएक्शन की बहुत बार जरूरत नहीं होती, बट दे बोथ रिएक्ट। हमने देखा है कि एक तरीके से वो रुबीना से इतना मतलब दोस्ती नहीं रखना चाहती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो अभिनव की बहुत अच्छी दोस्त है एंड कहीं ना कहीं अभिनव का भी झुकाव उनके तरफ है दोस्ती को लेकर। तो कैसी लगती है उनकी फ्रेंडशिप और उनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक इट्स जेन्युइन टू ईच देयर ओन। जरूरी नहीं है कि आपके हस्बैंड या वाइफ की किसी से नहीं पटे तो आपकी ना पटे। आई थिंक अभिनव इस तरह का इंसान है कि उसकी सबसे अच्छी पटेगी बिकॉज ही इज अ वेरी लविंग पर्सन। वो बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते, बहुत एग्रेसिव नहीं है, ही इज अ वेरी लाइकेबल पर्सन। तो कभी किसी को उनसे मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं होगी इन रियल लाइफ। तो एंड इट्स आई थिंक इट्स अ जेन्युइन रिलेशनशिप व्हाई टू पीपल कैन बी, दे बोथ लुक लाइक डीसेंट फ्रेंड्स। आई वुड नॉट से लाइक वेरी क्लोज फ्रेंड्स, बट दे आर डीसेंट फ्रेंड्स। हमने देखा है कि खाने को लेके बहुत ज़्यादा रुबीना के ऊपर चीज़ें मुद्दे उठे हैं बिग बॉस के घर में, चाहे वो कभी गुस्से में आके उन्होंने कह दिया कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी या जो भी चीज़ें होती हैं, तो उसके बारे में आपने तो देखा ही होगा वो पूरा मुद्दा। उस वक्त कौन किस तरीके से रिएक्ट करता है, अगर किसी को लगता है कि उनके साथ अनजस्ट हो रहा है तो वो उनको हक बनता है उस तरीके से रिएक्ट करने का। मैं वहां पे नहीं हूँ तो आई डोंट नो, हो सकता है मैं भी कभी ऐसे रिएक्ट करूँ अगर मेरे साथ कुछ हो जो नहीं हो रहा है। We act in a certain way. In real life, वो बिल्कुल विपरीत हैं because वो जब सेट पे होती थी तो सबको खाना खिलाती थी। वो अपने कहीं से खाना बनवा के पूरे सेट को खाना खिलाती थी, महीने में एक बार या महीने में दो बार, और अपने प्रीवियस सेट पे भी उन्होंने ऐसा किया हुआ है। एंड इट्स अ वेरी लाइकेबल क्वालिटी, हर कोई, एवरीबडी डजंट डू दिस। उनको बहुत मजा आता था, तो वो तो उनका स्वभाव तो इनफैक्ट एक तो एरोगेंस बिल्कुल नहीं है, और कॉन्ट्री टू व्हाट पीपल आर सेइंग, और वो सबसे मिलजुल कर रहती हैं। तो वो ऐसी नहीं है कि किसी को ज्यादा देंगी कम देंगी या शी इज नॉट लाइक दैट। पर नेचुरली पीपल गेट इरिटेटेड अगर कोई काम नहीं कर रहा और आप ही सिर्फ काम कर रहे हैं, यू नो, जब वहां पे हो रहा होता है उसको पता चलता है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। तो आई एम श्योर जेन्युइनली कुछ हो रहा होगा, दैट्स व्हाई शी रिएक्टेड लाइक दैट। बात करते हैं, घर में एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा था जहाँ पे कविता ने पूछा था कि आपको क्या आपके सारे कोस्टार्स का नाम पता है, तो वहाँ पे वो ये सुदेश जी का नाम भूल गई, तो उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने उसका अपोज किया, तो क्या कहना चाहेंगी उसके बारे में? सी दिस कैन हैपन, बहुत बार मुझे नाम नहीं याद आते, जैसे अभी मुझे पूरे कंटेस्टेंट्स को जानती हूँ, पर अगर आप मुझे एकदम से नाम पूछेंगे तो शायद मुझे सबके नाम याद नहीं आएंगे। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जिनके साथ हमने बहुत पहले काम किया होता है, कभी कभी उनका नाम जुबान पे नहीं आता, मतलब अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाता है। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, तो आई कैन अंडरस्टैंड। आई डोंट थिंक इट हैड एनीथिंग कि उसने जानबूझ के नहीं बोला, जेन्युइनली याद नहीं रहा होगा नाम, ऐसा नाम दिमाग से निकल सकता है, इट इज पॉसिबल। ये कविता और इनका मुद्दा तो पुराना हो गया, बुरा लगता है अगर आई वर्क विद समबडी आई से ओह शिट आई कांट रिमेंबर इट, इट्स वेरी एंबैरेसिंग। तो नॉर्मल दूसरे इंसान का ईगो हर्ट हो ही जाएगा, एंड द अदर पर्सन विल थिंक यार ये तो एटीट्यूड थ्रो कर रहा है, सो दैट कैन हैपन। इसलिए तो ये इनका रुबीना और कविता का जो मुद्दा है वो बहुत पुराना हो चुका है, तो थोड़ा टाइम हो गया, लेकिन उस झगड़े के बारे में क्या कहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एलिगेशंस लगे अभिनव पे कि वो इस तरीके की चीजें करते थे, एंड फिर उन्होंने ये भी मुद्दा उठाया था कि फ्रेंड्स पे बेनिफिट वाले।
आई थिंक ये चीजें कभी भी स्क्रीन पे नहीं आनी चाहिए. दो लोगों के बीच क्या संबंध है वो वहीं पे रहने चाहिए. इट्स वेरी डर्टी. मुझे तो बहुत बुरा लगा था बिकॉज हम सबकी लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम कभी सबकी लाइफ में सीक्रेट्स होते हैं जो कभी बाहर नहीं आते. और मुझे ये भी नहीं मालूम वेदर इट्स जेन्युइन और नॉट. फर्स्टली कभी कभी हो सकता है उन्होंने कुछ बोला और कविता ने उसे दूसरी वे में लिया हो. आई डोंट नो वॉट इट इज. बट जो भी है आपके पर्सनल मसले कभी इतने नहीं गिर जाना चाहिए कि आप उन्हें टीवी पर उछाले. इट्स वेरी रॉन्ग. आई विल नेवर डू दैट. आई विल नेवर डू दैट इवन टू अ पर्सन हुज डन हुज हार्म्ड मी. बिकॉज एक सर्टन अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट तो होता ही है ना. आपकी कभी तो किसी के साथ फ्रेंडशिप थी. इट्स वेरी रॉन्ग टू किसी को इतना बेइज्जत करना स्क्रीन के सामने किसी की वाइफ के सामने. इट्स वेरी डर्टी. इट्स नॉट गुड. घर में एक और इक्वेशन है जहाँ पे एजाज की बात कर रहे हैं. तो एजाज पहले तो इनके दोस्त बनना चाहते थे, फिर आखिरकार इनके दोस्त भी बने अभिनव और रुबीना के. लेकिन फिर वहाँ पर उन्होंने ये कह दिया कि उन्हें वो डिजर्विंग नहीं लगते हैं कि वो उन्हें टॉप फोर में आना चाहिए या फिर आगे जाना चाहिए. सो क्या कहना चाहेंगे? डिजर्विंग लगते हैं एजाज को? डिजर्विंग नहीं लगता कि ये दोनों टॉप फोर में आने चाहिए. या एजाज ने ये कहा है कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग डिजर्विंग है जितना मैं डिजर्विंग हूँ. सो क्या कहना चाहेंगे? फेयर इनफ. हर किसी को लगेगा कि मैं डिजर्विंग हूँ. ही इज वर्किंग टुवर्ड्स इट. इट्स अ गेम सो इट्स ऑल राइट. आपकी दोस्ती में भाई आपकी दोस्ती इससे तोली नहीं जा सकती. आई डोंट थिंक दे आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स ऑब्वियसली. पर वो गेम है, वो अपने बारे में सोचेगा. ही वॉन्ट्स टू कम. He wants to be the first one, so he's allowed to think the way he wants to think. अभिनव के बारे में बहुत सारे सवाल उठाए गए कि वो घर में कुछ कर नहीं रहे, लेकिन उनका जो नेचर है वो ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, हालांकि घर वालों को पसंद नहीं आ रहे. It's his nature. He's a passive person. He's not an aggressive person. वो शांत स्वभाव के इंसान है. He's a very loving person. वो किसी से झगड़ा नहीं करते. वो सोच समझ के बोलते हैं. वो बहुत balanced person है. balanced person की personality तो ऐसी है. अब बाकी सारे aggressive हैं. एक person balanced है तो he will stand out कि कुछ कर नहीं रहे. He will not do anything to show like how Arshi and all do या Rakhi does. They will do things because they want to be in the game. तो कुछ ना कुछ मुद्दे उठाएंगे. बट वो अभिनव की पर्सनालिटी नहीं है. वो बहुत जेन्युइन है और वो बहुत जेन्युइन ही रहता है सबके साथ और वो दिखता भी है. अच्छा नेशनल टेलीविजन पर रुबीना और अभिनव ने अपने रिश्ते की बात बताई थी. उन्होंने कहा था कि किस तरीके से उनका रिलेशनशिप टूटने वाला था. उन्होंने एक दूसरे को 6 महीने का टाइम दिया था. तो आपको लगता है कि यहाँ पे वो चीज़ें बातें बताना सही था नहीं था? एंड क्या कहना चाहेंगे? आपको कभी ऐसा लगा कि ऐसा कुछ होगा उनके बीच? को ऐसा लगा क्योंकि वो दोनों एक दूसरे में सो मच इन लव दिखते हैं और दिखते थे. आई कुड नेवर थिंक दैट दिस कैन हैपन. बट दो लोगों के बीच क्या होता है, यू विल नॉट नो कि अंदर अंदर क्या हो रहा है. हम सबके रिश्तों में कहीं ना कहीं ये ऐसी चीजें लाइफ में होती हैं जो बाहर कुछ और दिखती है पर अंदर कुछ और होता है. शायद नहीं आना चाहिए था बट मे बी शी गॉट इमोशनल और वो आ गया. कभी कभी यू नो हम लोग भावुक हो जाते हैं. हम आर्टिस्ट हैं, भावुक हो जाते हैं और कोई चीज आपकी निकल आती है और फिर वो रुख वैसा ले लेता है. बहुत फील हुआ मुझे उसके लिए. मुझे बहुत बुरा लगा कि सच गुड पीपल दे शुड स्टे इन लव एंड दे शुड स्टे टुगेदर. सिंपल. आपने भी रुबीना के साथ में काम किया है और एक एक्ट्रेस है जिन्होंने रुबीना के साथ में काम किया है लेकिन उनका कुछ मानना अलग ही है. उनके हिसाब से रुबीना बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग है और उनका जो बिहेवियर है वो नेचर वाला, वो टीचर वाला है. माई डॉग गरिमा जैन. गरिमा, आई डोंट नो गरिमा. ओके या सो मेरे साथ आई हैव नॉट सीन समथिंग लाइक दैट. और मेरे साथ तो एक्चुअली आई हैव नॉट सीन एनी ऑफ माय को-एक्टर्स एवर बीइंग डोमिनेटिंग. मैं किसी को डोमिनेट होने नहीं देती हूँ तो आई डोंट नो. पर मुझे लगता है कि हम चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द पीपल अराउंड, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस अराउंड. मैं शायद कुछ लोगों को कभी डोमिनेट करूँ वर्क में. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट को-एक्टर्स, मे बी प्रोडक्शन समथिंग. हो सकता है कुछ लोग कभी काम करते हुए मुझे डोमिनेट करें तो ऐसा हो जाता है. मैं ये नहीं कह सकती कि रुबीना डोमिनेटिंग है बिकॉज आई एम नॉट सीन दैट साइड ऑफ हर एट ऑल. मैंने वो रुबीना देखी है जो बहुत हंसती हैं, फनी हैं, मजाक करती हैं और जेन्युइन ह्यूमन बीइंग हैं. सो
So I have not seen like Bindas girl. I have not seen Rubina who's dominating. And I don't think she's dominating. अपने हस्बैंड को डोमिनेट करना और हस्बैंड आपको डोमिनेट करना इज ओके. वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज देती है. डज नॉट मीन शी डोमिनेट्स एवरीबॉडी. आई डोंट थिंक शी डोमिनेट्स एवरीवन. अच्छा अपार्ट फ्रॉम रुबीना एंड अभिनव किसकी गेम आपको ज्यादा अच्छी लगती है? आई लाइक एजाज. मुझे गेम के बारे में नहीं पता पर मुझे मजा आता है देखने में. मुझे राखी को देखने में मजा आता है. शी इज फुल ऑन एंटरटेनमेंट. उसे लाया भी इसलिए गया बट वो एंटरटेनमेंट है. लाइक शी इज सो एंटरटेनिंग. वो सारा टाइम कुछ ना कुछ फनी करती रहती है. सारा टाइम कुछ ना कुछ ड्रामा करती रहती है. लाइक लेटेस्ट आई थॉट शी सेड अभिनव को कभी बोल दूं क्या एक तरफा प्यार जायज है ना. इट वॉज फनी. इट वॉज डेफिनेटली फनी. या उसका वो एपिसोड जिसमें उसकी नाक का हो गया. कुछ ना कुछ और होता है. या कभी वो भूत बन जाती है. कभी वो कुछ और औरत बन जाती है. इट इज हाईली एंटरटेनिंग. ओके तो जहाँ सब कुछ लड़ रहे होते हैं अलग ही चल रहा होता है. अच्छा तो टॉप फाइव में किसे देखती हैं? रुबीना अभिनव अली इजाज एंड मे बी Either Jasmine or Rakhi. Rakhi सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत entertaining रहेंगी. Otherwise नहीं. Otherwise मुझे लगता है जो पुराने हैं वही deserve करते हैं क्योंकि वो बहुत time से game में हैं. अच्छा ऐसे कई लोगों का कहना है कि अगर अली घर में नहीं आते तो शायद Jasmine अभी भी रुबीना की दोस्त होती. So आपको क्या लगता है उस पर? हाँ वो ठीक कहते हैं. आपकी इक्वेशन बदल जाती है ना. आप ज्यादा चौड़े हो जाते हो जब आपका साथी आ जाता है. मतलब व्हेन यू हैव अ योर हस्बैंड और अ बॉयफ्रेंड और अ गर्लफ्रेंड यू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्योंकि आपकी आप एक आपकी टीम बन जाती है. तो आपके रिएक्शन एक्शन अलग आपके रिश्ते अलग हो जाते हैं. जब आप अकेले होते हैं तो आपके लोगों की जरूरत होती है तो आपके रिश्ते अलग होते हैं. और ये इक्वेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे जहाँ पे जब राहुल वैद्य के साथ में जैस्मिन का झगड़ा हुआ था तो एक तरफ रुबीना दोस्त थी और राहुल वैद्य दुश्मन. और आज राहुल दोस्त थे और रुबीना कहीं ना कहीं थोड़ी सी दोस्ती में दरार आ गई दोनों के बीच में. तो क्या कहना आ गई है? ये दोस्तियाँ ना दो तीन दिन की होती है. ये सर्कमस्टेंस के हिसाब से बदल जाती है. रोज बदलती रहती है. वी ऑल सी दैट. सो आई विल नॉट फाइंड आई डोंट फाइंड एनीथिंग सीरियस इन इट एट ऑल. और जैस्मिन तो वैसे ही बहुत इमैच्योर है. शी इज वेरी चाइल्डिश. टॉप 3 में किसे देखती हैं? इजाज अभिनव एंड रुबीना. विनर क्वालिटी एक्चुअली प्रोबेबली मे बी अली बिकॉज आई थिंक अली जेन्युइनली लाइक अ लॉट. अच्छा इंसान लगता है. या क्या व्हाट आर यू सेइंग? विनिंग विनिंग किसे जीतना चाहिए? रुबीना और अभिनव बिकॉज़ दे आर माय फेवरेट. मुझे लगता हो सकता है अभिनव जीत जाए बिकॉज़ सो जेन्युइन कि उसकी जेन्युइननेस जो है लोगों को अट्रैक्ट करती है. वो कुछ नहीं भी करके अच्छा लगता है यू नो. लास्टली सिंपल फैंस से क्या कहना चाहेंगे? किसके फैंस? Keep watching the show. Keep fighting for the people whom you think are right, and keep voting for them. और जो बेकार के घटिया लोग हैं जो सारे टाइम लड़ते रहते हैं उनको निकाल दीजिए. Thank you, Simple.